भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में नागपुर नगर निगम ने शुक्रवार को कविवर सुरेश भट्ट सभागृह रेशम बाग में एक स्वय वित्त पोषित उत्सव का आयोजन किया है। सामाजिक विकास विभाग के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इस उत्सव के बारे में जानकारी प्रदान करने और जन जागरूकता पैदा करने के लिए की अधिक से अधिक रेहड़ी पटरी वाले इसमें भाग लें। इसके लिए नगर पालिका द्वारा एक विशेष वाहन की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक प्रवीण दट्ट के, नगर आयुक्त एवं प्रशासक राधा कृष्णन बी, कलेक्टर आर विमला ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर त्रिपुरे सामाजिक कार्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने महोत्सव की जानकारी देते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। सामाजिक विकास विभाग के उपायुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निदेशक डॉक्टर विजय ह्यूमैन, गजेंद्र महले सहित सामाजिक विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उक्त जन जागरूकता वाहन में एलईडी स्क्रीन लगी है और इसके माध्यम से स्व वित्त पोषित उत्सव की जानकारी दी जा रही है। जोन शहर के विभिन्न हिस्सों में वाहन महोत्सव के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही त्रिपुरे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, अबोली कुशवाहा, प्रणब जोलहे, प्रणब जुमड़े, प्राची सिरसत, रुनीचा पवार, हर्ष संतांपे, हर्षा जोगे, सिद्धिपुरी, वेदही श्री सागर, श्रुष्ट सिरसत के छात्र भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरूकता निर्माण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपुर।